जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज आज की जय 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 परम पूज 108 मेरवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 परम पूज 108 मेरवर अरह सागर जी महाराज की जय 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 नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। हमारा जीवन संघर्षों से भरा है। संघर्ष की कहानी हमारे जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे काफी संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष से जन्म होता है और जीवन भर संघर्ष चलता है। संघर्ष होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संघर्षों को झेलते हुए भी दृढ़तापूर्वक उनका सामना करना और संघर्ष को एक उपलब्धि में परिवर्तित करना सबसे बड़ी बात है। आज गुरुदेव का हाइकू है, संघर्ष में भी चंदम चंदन सम सदा सुगंधी बांटू। बहुत उच्च और उदात्त भावना इसमें गर्भित है। सबने देखा है चंदन को जितना घिसा जाता है वो उतना ही सुगंध बिखेरता है। गुरुदेव ने बड़ी उच्च भावना प्रकट की कि जीवन में जब भी कोई संघर्ष हो, संघर्ष तो है ही, संघर्षों का नाम ही जीवन है, लेकिन उस घड़ी भी घिसते वे भी सुगंधी बांटू। आज चार बातें आप सबसे करूंगा। अपने लिए संघर्ष, अपनों के लिए संघर्ष, अपने आप से संघर्ष और अपनों से संघर्ष। संघर्ष तो है ही, अपने लिए संघर्ष सब करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक नन्हा सा कीड़ा भी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए अंतिम श्वास तक, ओम, अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करता है। एक कीड़ा भी आप देखते हैं, अपने लिए हर कोई संघर्ष करता है। अपने अपने जीवन के निर्वाह के लिए, अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं। और जो संघर्ष में सफल हो जाता है उसके जीवन में उपलब्धियां आती है, और जो हार जाता है उसका जीवन यूं ही बर्बाद होता है। थोड़ी देर के लिए विचार करो, तुम्हें अपने जीवन के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ता है कि नहीं? करना पड़ता है महाराज। आज मैं जो कुछ भी बना हूं संघर्ष के बदौलत ही बना हूं। जो जितना संघर्ष करता है उसके जीवन का उतना उत्कर्ष होता है। एक व्यक्ति है जो अपने लिए संघर्ष करके अपना उत्कर्ष करता है, बहुलता से ऐसे लोग मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के विषय में लोग कहते हैं महाराज ये बड़ा संघर्षशील व्यक्ति है, इन्होंने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत इनने ऊंचाई को छुआ। बहुत अच्छी बात है, उस संघर्ष से उनने जो ऊंचाई छुई है, जो उनका उत्कर्ष है, वो उनकी वैयक्तिक उपलब्धि है। और केवल इस संसार तक टिके रहने वाली,
उन लोगों की अपेक्षा मैं उन्हें अच्छा मानूंगा जो संघर्ष और चुनौतियों से घबरा कर घुटने टेक देते हैं। दो तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं, एक वे जो संघर्ष का मजबूती से सामना करते हैं, संघर्ष करते हैं, पूरे जज्बे के साथ अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं और खुद का उत्कर्ष करते हैं, और दूसरे वे जो संघर्ष और चुनौतियों के आगे घुटने टेक देते हैं, वहीं अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं, जिनके अंदर कुछ भी करने की अंदर से लालसा या उमंग नहीं होती, ऐसे लोग जीवन में कुछ भी उपलब्धियां अर्जित नहीं कर पाते हैं। ये बात सही है कि जीवन उन्हीं का ऊंचा उठता है, जीवन उन्हीं का ऊंचा उठता है जो कुछ उत्कर्ष करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो बीज को अंकुरित होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष में खुद को मिटाना पड़ता है। बीज जब मिटता है उससे अंकुर फूटता है, अंकुर सीधा आता है और फिर वह एक पौधा बनता है। धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात सबका सामना करता है, तब कहीं जाकर वो एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। वो एक वृक्ष का रूप धारण करता है, खुद धूप में रहकर औरों को छाया देता है। लेकिन बीज से वृक्ष तक की जो कहानी है, कभी आपने सोचा ये कहानी कैसी है? बीज से वृक्ष तक की कहानी, भैया ठीक करो, आज बोलने में मुझे संघर्ष करना पड़ रहा। बीज से वृक्ष तक की कहानी है। बीज जब मिटता है तब विकसित होकर वृक्ष बनता है। ऐसे ही हम जब संघर्ष करते हैं तब हमारी क्षमताएं विकसित होती है और तभी हमारा वास्तविक उत्कर्ष होता है, चाहे लौकिक जीवन की बात हो या लोकोत्तर। हर क्षेत्र में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। चुनौतियां आती है, आने दो, उसका स्वागत करो, सामना करो। अपने लिए अपने आप को आगे बढ़ाना है तो ये तो मुझे करना ही होगा। विद्यार्थी जीवन से अपने जीवन की शुरुआत करो, वहां से देखो अगर तुम मन लगा करके पढ़े हो तो आगे बढ़े हो। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो थोड़ी सी कठिनाई से घबरा जाते हैं और एक वे जो बड़ी बड़ी कठिनाइयों का बड़ी सहजता से सामना करते हैं। सफल कौन होते हैं, कठिनाइयों से घबराने वाले या कठिनाइयों का सामना करने वाले? कौन? एक बच्चा है पढ़ाई को कठिन मान करके उससे मुख मोड़ लेता है और एक कहता है कितना भी कठिन है मुझे तो वही पढ़ना है, जटिल से जटिल विषय को मुझे पहले प्राथमिकता देनी है। उसकी प्रतिभा और मेधा विकसित होगी। जो पहले ही सोच ले कि हमको तो सरल विषय ही चुनना है, जटिल लेना नहीं, वो तई लेवल पर रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरह जीवन के किसी भी क्षेत्र में वे ही मनुष्य सफलीभूत होते हैं जो कठिन से कठिन चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करने के लिए तैयार होते हैं। साधारण व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाई महसूस होती है,
और समझदार व्यक्ति को हर कठिनाई में अवसर नजर आता है। अवसर में कठिनाई और कठिनाई में अवसर। जीवन को आगे बढ़ाना है तो कठिनाई मत देखो, कठिनाई में भी अवसर देखो। इसी का नाम संघर्ष है। उससे तुम उत्कर्ष कर पाओगे। स्वयं के विकास के लिए भी ऐसा संघर्ष जरूरी है। पढ़ने लिखने के लिए परिश्रम जरूरी है, व्यापार में सफल होने के लिए परिश्रम जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, अपने घर परिवार के संबंधों को बनाए रखने के लिए संघर्ष जरूरी है, समाज में अपने आप को स्थापित रखने के लिए संघर्ष जरूरी है कि नहीं। और अपने आत्मा के लोकोत्तर हित के लिए भी संघर्ष जरूरी है। हर पल संघर्ष करना होगा। आप लोग भी संघर्ष करते हैं, हम लोग भी संघर्ष करते हैं। बोलो किसके जीवन में संघर्ष ज्यादा है, तुम्हारे जीवन में या हमारे जीवन में? हमारे जीवन में। और ये बताओ हर्ष किसके जीवन में ज्यादा है, उत्कर्ष किसका है? क्या सब आपका? तो भैया तुम्हें कौन रोक रहा, आओ। महाराज वो नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा? संघर्ष सबको करना होता है। और हीनाधिक रूप में मनुष्य करता भी है, इस संघर्ष में उत्कर्ष है। अगर तुमने लोक क्षेत्र में संघर्ष किया, तुमने अपना लौकिक और भौतिक उत्कर्ष किया, उसके परिणाम से यत्किंचित तुम्हें हर्ष भी हुआ, लेकिन अपने लिए संघर्ष बहुत बड़ी बात नहीं है। अपनों के लिए संघर्ष कितना किया? अपने लिए संघर्ष करना यानी अपने स्वार्थ के लिए लड़ना, अपनों के लिए संघर्ष करना यानी औरों के भलाई के लिए लड़ना, कितना हिसाब लगाओ। अपने जीवन के संघर्षों की कहानियों की तरफ थोड़ी देर के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाओ और देखो पाओगे ज़्यादातर अपने लिए या औरों के लिए। क्या है? होगा या तो अपने लिए या अपनों के लिए, औरों के लिए तो वो मतलब ही नहीं। एक सत्पुरुष और साधारण पुरुष में यही अंतर होता है। साधारण व्यक्ति केवल अपने लिए रोता है, अपने लिए लड़ता है, अपने लिए संघर्ष करता है, और जो सत्पुरुष होते हैं वो अपने लिए नहीं औरों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है। औरों के लिए संघर्ष करने का जज्बा हमारे भीतर जगना चाहिए। कहते हैं होना होता है जिनको तो अमर, वे लोग तो जिया ही करते हैं औरों के लिए, जीवन अपना कुर्बान किया करते हैं। जो औरों के लिए अपना जीवन कुर्बान करे, औरों के लिए संघर्ष, बहुत बड़ी बात। औरों के लिए में व्यापकता है। अपने परिवार के लिए तुमने क्या संघर्ष किया, अपने समाज के लिए तुमने क्या संघर्ष किया, अपने संस्कृति के लिए तुमने कितना संघर्ष किया, अपने धर्म के लिए तुमने कितना संघर्ष किया, और अपने देश के लिए तुमने कितना संघर्ष किया, हिसाब लगाओ। कुछ नंबर आ रहे हैं,
तो वो तुम्हारे जीवन की उपलब्धियों में है, और यदि नहीं तो अभी तुम बहुत पीछे हो। अपनों के लिए संघर्ष, बहुत लोग हैं, हम अपने देश के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो हमारा संपूर्ण इतिहास संघर्ष और बलिदानों का इतिहास दिखता है। संघर्ष और बलिदानों का इतिहास दिखता है, और वो भी सहर्ष है, अपने लिए नहीं औरों के लिए। हमें ये देखना है कि उस आदर्श का कितना अंश मेरे जीवन में है। बातें करूं फिर हाइकू की बात आपसे करूंगा, तो ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। औरों के लिए कितना संघर्ष। नंबर 3, अपने से संघर्ष, और नंबर 4, अपनों से संघर्ष। अपने लिए संघर्ष सकारात्मक है, अपनों या औरों के लिए संघर्ष भी सकारात्मक पहल है, लेकिन अपने आप से संघर्ष और अपनों से संघर्ष, ये दोनों बड़े खतरनाक है। मुझे आज तो ऐसे लोग ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं जो अपने आप से ही जूझते रहते हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने अंदर अंतर द्वंद पाल रखे हैं, है जिनके भीतर द्वंद है वो अपने आप से लड़ रहे हैं। बहुतों के जीवन में ऐसा होता है, लोग कहते हैं मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ, अपने आप से लड़ता हुआ महसूस करता हूँ, कुछ निर्णय नहीं ले पाता, क्या करें, होता है। क्यों? यदि तुम्हारे मन में भय है, कुंठा है, चिंता है, अवसाद है, तो तुम सतत अपने आप से ही जूझते हुए महसूस करोगे, और उससे क्या होगा, तुम्हारी सारी आत्मशक्तियां कुंठित हो उठेगी, फिर तुम कुछ करने की स्थिति में नहीं रहोगे। संत कहते अपने आप से मत लड़ो, अपने आप से जूझ करके तुम हारोगे ही, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप से क्यों लड़ना, इन भय चिंता कुंठा को दूर करो, आध्यात्मिकता का रास्ता अपनाओ, कहीं तुम्हारे अंदर अंतर्द्वंद का कोई स्थान ही नहीं बचेगा, हर पल आनंद रहेगा, हर पल आनंद रहेगा। अपने आप से लड़ने का सवाल ही क्या, क्यों हम अपने आप से लड़ें, हम अपने आप से क्या संघर्ष करें, हमारे भीतर तो हर्ष होना चाहिए, और ये बहुत सहज है। जब हम अपने जीवन में घटित प्रसंगों को सहर्ष स्वीकारना शुरू कर देते हैं, संघर्ष खत्म हो जाता है। संघर्ष कब होता है, कभी आपने सोचा संघर्ष कब होता है, किसी के भी साथ संघर्ष हो, जब हमारे मन के अनुकूल व्यवहार नहीं मिलता, प्रसंग नहीं घटते, तब न संघर्ष होता है। जो हम पात चाहते हैं वैसा सामने वाला न करे तो संघर्ष होता है, जो हम चाहते वो हमें न मिले तो हमें संघर्ष होता है, हम जो चाहते हैं उसको पाने के लिए मनुष्य संघर्ष करता है, यही होता है ना। अपने आप से भी मनुष्य संघर्ष केवल इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर आत्मसंतुष्टि का अभाव रहता है। जीवन में जो जब जैसा घटे उसे सहर्ष स्वीकार कर लो, संघर्ष का नाम ही नहीं, हर पल हर्ष है और जीवन का उत्कर्ष है। मन राजी ही नहीं होता, घटित कुछ होता है और मन चाहता कुछ है, एक प्रकार का अंतर्द्वंद प्रकट हो जाता है, और जब तक वो प्राप्त नहीं होता मनुष्य जूझता रहता है, ये उसे अंदर से तोड़ता है। तो
तो मैं आपसे कहूंगा, अपने आप से संघर्ष मत करो और औरों से भी संघर्ष मत करो। औरों से संघर्ष करने का मतलब है लड़ाई, झगड़ा। क्यों हम किसी से संघर्ष करें, क्यों हम किसी से लड़ाई लड़ें? लड़ाई लड़ने में तो हमारी शक्ति नकारात्मक दिशा में जाएगी। जितनी शक्ति हम औरों से लड़ने में लगाते हैं, उतनी शक्ति खुद को आगे बढ़ाने में लगाएं तो वो हमारे जीवन की एक उपलब्धि बनेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी शक्ति को प्रायः नकारात्मक दिशा में लगाते हैं, अपनी शक्ति को प्रायः नकारात्मक दिशा में लगाते हैं। जैसा उनको चाहिए वैसा नहीं कर पाते, उनकी दिशा उल्टी हो जाती है। नकारात्मक दिशा में हम अपनी शक्ति को क्यों लगाएं, अपनी शक्ति को सकारात्मक दिशा में लगाएं। कभी औरों से लड़ाई लड़ने की बात ही मत करो, वहां संघर्ष करने की जगह समझौता करो, तो आप अपने जीवन में कुछ कामयाबी हासिल कर सकोगे। लेकिन हाँ, अपने अतिरिक्त यदि अपने परिवार, समाज, धर्म, संस्कृति और देश की बात आए तो वहाँ तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार के संघर्ष करने की आज़ादी है। जब तुम अपने जीवन के लिए भी संघर्ष कर रहे हो या अन्य किसी स्थिति में तुम्हारे जीवन में संघर्ष आ रहा हो, गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी कठिनाइयां हो, परेशानियां हो, मुश्किलें हो, चाहे जैसा संघर्ष हो, संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करो और संघर्ष की घड़ी में भी उपकार करने की बात सोचो। संघर्ष में भी सदा चंदन सम सदा सुगंधि बांटो। चंदन के समान सुगंधि बांटने की स्थिति मेरे मानस में ऐसे अनेक प्रसंग आ रहे हैं, ऐसे अनेक लोग उभर रहे हैं जिनका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन उस संघर्षपूर्ण स्थिति में भी उन्होंने लोकोपकार के बड़े बड़े कार्य किए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने बर्रा बेचकर, बर्रा बड़ा बोलते हैं ना, बड़ा बिहार झारखंड में बर्रा बोलते हैं, उससे अपना जीवन आगे बढ़ाया, संघर्ष किया, पाई पाई जोड़ा, पाई पाई जोड़ा, खुद अभावों में पला, अभावों में जिया, दो कमरों के एक छोटे से मकान में रहा, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी गाढ़ी कमाई से हॉस्पिटल में एक पूरा वार्ड बना दिया। थोड़े दो दो चार चार रुपया जोड़ जोड़ कर जिसने पैसे जोड़े, संघर्ष किया, 100-200 रुपया के रोज की बिक्री जिसकी होती, 150 रुपया की रोज की जिसकी कमाई होती है, मैं आज से 30 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ, 35 साल पुरानी, और हॉस्पिटल में एक वार्ड बना दिया। उससे जब किसी ने पूछा कि भैया तुमने इतना रुपया दान कर दिया और तुम खुद छोटे से एक खपरपोष मकान में रहते हो, उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, कहा भैया 65 वर्ष की उम्र हो गई, हमारी ज़िंदगी तो पूरी हो गई, जितने दिन में मकान बनाएंगे उतने दिन में ऊपर जाने का नंबर आ जाएगा, कम से कम लोगों के काम में तो आएगा, अब ये पैसा क्या, 65 साल जिस घर में गुजार दिए, जीवन के शेष समय को भी उसमें गुजारा जा सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे व्यक्ति को कौन प्रणाम नहीं करेगा?
ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रणम्य है। संघर्ष में भी चंदन सम सुगंधी बांटो, खुद अभावों और अल्पता का जीवन जीने वाला व्यक्ति भी आखिरी सांस तक दूसरों के उद्धार की बात सोचे, ये कोई साधारण घटना नहीं है। सब प्रकार की अनुकूलताओं में कुछ अच्छा कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है। तमाम प्रतिकूलताओं में अच्छा करने का संकल्प जगाना बहुत बड़ी बात है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसको 85 लाख का नुकसान हुआ, उसके हैसियत के हिसाब से वो बड़ा नुकसान था। 85 लाख का नुकसान, उसके बाद भी 15 लाख के दान की घोषणा कर दी। उसके मित्रों ने कहा, भैया 85 लाख का नुकसान हुआ और तुम 15 लाख का दान कर रहे। बोले, राउंड फिगर में 1 करोड़ समझ लो। नुकसान ही हुआ तो ये मान लो राउंड फिगर में 1 करोड़ हुआ। उसने लोगों से कहा, ये बताओ जो 85 लाख का नुकसान हुआ, यदि 1 करोड़ हो जाता तो मुझे झेलना पड़ता कि नहीं झेलना पड़ता? 1 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता था। नुकसान हुआ हुआ, चला गया, इतना और जाएगा, और कमा लेंगे, और क्या है। जीवन में जज्बा, अरे भैया नुकसान हो गया, अब नुकसान हो गया, हाथ बांध लो, हाथ बांध लो। अरे भैया, जब आग लगती है तो सब स्वाहा होता है, जितना बचा लो वही तुम्हारा है, जितना बचा लो वही तुम्हारा है, उसी से जीवन आगे बढ़ेगा। सर सैयद हुकुमचंद जी काश्तीवाल को एक बार व्यापार में बड़ा भारी नुकसान हुआ तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि देखो पापोदेह है, नुकसान हो रहा है, रुपया जा रहा है, कुछ अच्छा कर लो। पापोदेह आया है, नुकसान हुआ है, रुपया जा रहा है, कुछ अच्छा कर लो। तो कहते उन्होंने उस नुकसान की घड़ी में 3 लाख रुपए निकाल करके कंचन बाई प्रसूति का ग्रह का निर्माण कराया। संघर्ष में भी चंदन सम सदा सुगंधी बांटू का ये उदाहरण आप सोच सकते हैं। जब मैं कठिनाई में हूं, उस घड़ी मेरे मन में किसी और के कठिनाई को दूर करने का मनोभाव, सच्चा इंसान वही है जो अपनी कठिनाई को नजरअंदाज कर दे और औरों की कठिनाई के लिए हर संभव प्रयास करे, सहायक बनो, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो, ये देखने का प्रयास करना चाहिए। कई ऐसे लोग जिनने अपने जीवन में बहुत बड़े संघर्ष किए लेकिन हमेशा औरों का ख्याल रखा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिनने अपने जीवन को बड़े संघर्ष के बदौलत आगे बढ़ाया। घोर अभाव और अल्पता में पले बड़े व्यक्ति, पढ़ लिख नहीं पाया लेकिन अपने हुनर के बल पर आज काफ़ी संपन्नता है। उस व्यक्ति ने एक बार एक बात कही, उस व्यक्ति से केवल मैंने एक बच्चे की पढ़ाई की बात की। उन्होंने कहा, महाराज जब भी ज़रूरत पड़े, 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की बात हो, आप मेरे पास ब्रह्मचारी से फ़ोन भर करा देना। मैं तो ये सोचता हूँ, मैं अभाव में नहीं पढ़ पाया, आज यदि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पैसे से कोई पढ़ जाएगा तो यही मेरे जीवन की सार्थकता होगी। हम कहाँ अपनी सोच रखते हैं। संत कहते हैं, सोच को सीमित नहीं व्यापक बनाओ। मुश्किल घड़ी में भी मुस्कान कायम रखो। घबराओ मत, विचलित मत हो, अपने मन से पूछो, तुम्हारा सारा धर्मानुराग, तुम्हारा सारा उत्साह, अगर थोड़ा सा कुछ प्रतिकूल होता है तो कहाँ जाता है।
बोलो ठंडे हो जाते हो, शिथिल पड़ जाते हो कि दुगने उमंग के साथ चलते हो? क्या करते हो? नहीं, मुझे अपने उत्साह को खंडित नहीं करना, उसे कम नहीं करना। उस दिशा में मुझे सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी धर्म पत्नी अर्धविक्षिप्त, एक बेटा एकदम आवारा, दूसरा बेटा मंदबुद्धि, खुद अपने दुकान को चलाना और घर की सारी व्यवस्थाएं करना, लेकिन हर पल खुश रहना, हर पल खुश रहना। उसकी दुकान में कोई व्यक्ति आए, रोता आए और हंसता जाए। एक दिन एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हुई कि इस व्यक्ति के जीवन का रहस्य जानना चाहिए। घर गया, साधारण सा मकान था, दो कमरों का। जब वो घर गया तो देखता है उसका मंद बुद्धि बेटा उसकी गोद में लेटा था, वो उसके सिर में बाम मल रहा है। धनपत्नी अंदर के कमरे में थी, आया, उसने उसका आत्मीय स्वागत किया और उनके लिए चाय प्रपोज किया। चाय बनाने के लिए अंदर जाने को हुआ, बोला अच्छा क्या घर का काम भी आप ही करते? बोले क्या बात है, मेरा काम है, मैं सब काम करता हूँ। बोले क्यों, घर में कोई है ही नहीं? उसको घर की स्थिति का पता था नहीं। बोले बस मेरी धनपत्नी अंदर है, वो अर्धविक्षिप्त है, ये बच्चा मंद बुद्धि है और एक बेटा है, वो आवारा घूमता रहता, अभी आएगा, खाना पीना खा के चला जाएगा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी चुनौती भरी, इतनी मुश्किल और कठिनाई भरी स्थितियों का सामना करते हुए भी आप इतना खुश कैसे रहते हो? आपके पास कौन सा मंत्र है? तुम लोगों को तो मंत्र ही पसंद है। आपके पास ऐसा कौन सा मंत्र है? उस व्यक्ति ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक। उसने कहा मैं मंत्र मंत्र कुछ नहीं जानता, मैं केवल एक ही बात जानता हूं, मुझे हर स्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट रह करके जीना है, जो जैसा घटे उसे सहर्ष स्वीकार करना है, यही मेरे प्रसन्नता का मूल मंत्र है। आप कर सकते हैं ऐसा? ऐसी घड़ी में भी, संघर्ष में भी हर्ष, संघर्ष में भी हर्ष, हारो नहीं, सामना करो और सहर्ष सामना करो। ठीक है, एक बार गुरुदेव ने एक बात कही, मुश्किल घड़ी में क्या चिंतन करना चाहिए। बिहार हो रहा था, स्थान बताने वालों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। वो 18 किलोमीटर बताया, 18 माइल निकल गया। उसमें भी एक पहाड़ चढ़े उतरे, फिर दूसरा पहाड़ चढ़े उतरे। उस दिन संघ 5-6 स्थानों में बटा, तारादेही जाना था बेलखेड़ा से, संयोगता स्थान का पता मैंने ही लगाया था, मैंने ही रास्ता बताया था, लोगों ने मुझे जैसा बताया वैसा कर लिया। अब संघ सब पस्त, हालत सबकी खराब,
केवल तीन महाराज तारादेही पहुंच पाए थे, बाकी जो जहां जिसको जिधर जगह मिली वहां रुके। आचार्य महाराज समेत हम छह मुनिराज तारादेही से 3 किलोमीटर पहले एक स्कूल में रुक गए। शाम हो गई, आनंद फानन में जो जगह मिली वहां रुक गए कि भाई अब तारादेही तो पहुंच पाना मुश्किल है। स्कूल भी ऐसा था जिसके खप्पर उड़े हुए थे, बड़े बड़े खप्पर होते ना, वो थे 5-7 तो खप्पर उड़े हुए थे। रोशनदान के नाम पर केवल झरोखा था, कांच नहीं, और दरवाजे और खिड़कियों में भीतर से लगाने की कोई व्यवस्था नहीं, थोड़ा धक्का मारो तो दरवाजे ही बाहर हो जाए। बड़े बड़े संत और सर्दी बहुत तेज। छह महाराज थे, छहों बिना चटाई वाले। आचार्य महाराज को एक तरफ हम लोगों ने लेटाया, एक ही कमरा था, थोड़ी सी आल कर दी, बाकी हम सब महाराज। अब सब महाराज मुझे टारगेट बनाए, कैसी जगह देखी, क्या कर लिया, उनको कोसे जिसने रास्ता बताया। रात तो निकल गई, सुबह जब गुरुदेव के पास बैठे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, बोले देखो उस व्यक्ति को धन्यवाद दो जिसने रास्ता बताया, उस व्यक्ति को धन्यवाद दो जिसने रास्ता बताया, क्योंकि उसके निमित्त से आज पूरी रात हम लोगों को शीत परिसह सहने का सुअवसर मिला। संघर्ष में भी चंदन सम सुगंधी बांटूं, ऐसी सकारात्मकता। गालियां देने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन जो मेरा हित करे उसके प्रति भी आभार प्रकट करने वाला कोई बिरला अध्यात्म योगी ही होता है। उन्होंने कहा ये तो कर्म निद्रा का अवसर मिल गया, इसमें घबराने की बात क्या, चिंता करने की क्या बात, उसका आभार, उसे धन्यवाद दो। गुरुदेव ने कहा उसे धन्यवाद दो। बहुत कठिन है, सुनने में अच्छा लगता है, जीने में कठिनाई। मैं आप सबसे केवल यही कहता हूं, कठिनतम परिस्थिति कितनी भी कठिनाइयां हो, हमें अपने साथ औरों का ख्याल रखना चाहिए, औरों का ख्याल रखना चाहिए, और ये दृष्टि हमेशा हो। हमने ऐसे अनेक प्रसंग पढ़े हैं जहां व्यक्ति ने खुद मरते मरते औरों की जान बताई बचाई। अभी एक अग्निकांड हुआ था ना सूरत में, कहाँ, जहाँ औरों को बचाने के लिए 12-13 व्यक्तियों को बचाया और खुद मर गया, बचाते बचाते मरा। सूरत का कांड हुआ था, क्या हुआ? तो संघर्ष में भी चंदन सम सदा सुगंधी बांटूं, ऐसी उदात्त भावना अपने अंतरंग में विकसित कीजिए तो जीवन में आनंद आएगा, जीवन में सार्थक उपलब्धियां घटित होगी, अन्यथा तो जीवन आना जाना लगा हुआ है, जो हमें हासिल करना है वो हम नहीं कर सकते। एक बात और ध्यान रखना, बिना संघर्ष के जीवन का उत्कर्ष नहीं होता, बिना संघर्ष के जीवन का उत्कर्ष नहीं होता, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक रो के संघर्ष करता है और एक सहर्ष संघर्ष करता है। रो धो के संघर्ष करने वाले लोग अंदर से टूट जाते हैं, और सहर्ष संघर्ष करने वाले लोग मजबूत हो जाते हैं। सहर्ष संघर्ष करो, आगे बढ़ने और बढ़ाने की कोशिश करो, तो तुम्हारा जज्बा वैसा ही बना रहेगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनका अचानक बड़ा डाउनफॉल हुआ, 3 फैक्ट्रियां थी, तीनों बंद हो। जब तक स्थितियां अच्छी थी वो खूब दान धर्म का काम करते थे, लोगों की सेवा और परोपकार का कार्य किया करते थे।
स्थिति ऐसी हो गई कि सब कुछ खत्म सा हो गया, सब कुछ बंद, अब कुछ नहीं। उस व्यक्ति ने उस घड़ी में भी एक प्रसंग ऐसा आया मेरे सामने ही थे, तो लोगों ने उनसे कुछ अपेक्षा रखी, लोगों को पता नहीं था कि इनकी स्थिति ऐसी, मुझे पता था, अपेक्षा रखी। उनने तत्क्षण स्वीकार लिया कि नहीं मैं ये करूँगा। मैंने कहा क्या कर रहे हो? फट से अपने गले की चेन उतार के दे दी। बोले महाराज जब सब खो गया तो क्या हुआ, ये सोचूं आज से सोना नहीं पहनूंगा, ये चेन रख दो, इनका काम हो जाए। मैं भले आज समय से मार खाया हूँ पर महाराज भावनाएं आज भी मेरी ऐसी है, मैं चाहता हूँ अच्छे से अच्छा करूँ। आप कल्पना कर सकते हैं उस व्यक्ति के भावना का अनुमान लगा सकते हैं? तत्क्षण अपने गले की चेन निकाल करके दे दी कि आपसे सोना नहीं पहनेंगे, छोटी सी बात है, इसके लिए मैं मना करूं। महाराज आप तो हमें यह आशीर्वाद दो चाहे मेरे ऊपर कैसी भी स्थितियां क्यों ना आए, महाराज मैं जितना बन सके अपनी आखिरी सांस तक औरों के काम आ सकूं। दूसरा होता भैया मुंह लटका के बैठ जाता, हमारे तो बस की नहीं है, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, महाराज से पूछ लो, ज़्यादा होता तो मैं रोक रहा हूँ, सामने वाले से बोल रहा भाई इनसे मत बोलो, इनकी स्थिति नहीं है। उसने कहा नहीं महाराज, और आप ही लोग तो बोलते हैं दानम दुर्गति नाशनम, महाराज पापोदय से सब खोया, कुछ पुण्य अर्जित होगा तभी तो पाएंगे। और समय पलटा, लगभग 3-4 साल के अंतराल के बाद वो आदमी फिर से स्थापित हो गया, फिर से स्थापित हो गया। अगर वो व्यक्ति रोता रहता तो शायद आज तक रोते ही रहता, लेकिन उसने वस्तु के स्वरूप को जाना, अपने कर्तव्य का आखिरी क्षण तक पालन किया, परिणाम अच्छा निकला। हमेशा अच्छी सोच रखो, एक सूक्त है उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम, जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सदैव ऊंचा रहता है। मानस ऊंचा रखो, बड़ी सोच रखो। गुरुदेव ने बहुत ही गहराई में जाकर अपने भावों को अभिव्यक्ति दी है, चंदन संघर्ष में भी सदा चंदन संघर्ष में भी चंदन सम सदा सुगंधि बांटूं, तो बांटने की स्थिति सबके अंतरंग में हो, इस भाव के साथ मंगल भावना पूर्वक मैं विराम लूंगा। हाथ जोड़िए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो, कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो, कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, नहीं बैरे अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल मंगल में हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, राग देश ओ मोह मि
मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भार। टले अमंगल भार। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।